दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व के दो ही हथियार हैं, एक गोदी मीडिया और दूसरा आरएसएस। दोस्तों गोदी मीडिया की बेशर्मी आपको मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। जो इस वीडियो को उसने एक हरियाणा के डेफ सेंटर के कुछ बच्चों की जो गैर रिलेटेड क्लिप था, जो बिल्कुल उससे हटके क्लिप था, जो वाकया हुआ है उस वाकये से हटके बिल्कुल क्लिप था, जिसको वो जोड़ने की कोशिश कर रहा था इस्लामोफोबिया से, इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको इस्लाम कन्वर्जन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस वक्त उसके ही बुलाए गए, उसके ही इनवाइट करदा एक मेहमान ने उसके मुंह पर उस वक्त गोबर मारा। ये आप इस वीडियो में खुद देख लीजिए कि को दिखा रहे हैं। ये शख्स कह रहा है कि आप जल्दी आओ, हमारे पास सिर्फ 8 दिन का वक्त बचा हुआ है, हम लोगों ने सिलेक्शन कमेटी से बात कर ली है, जिनका रह गया है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर सपने दिखाए जा रहे हैं, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप धर्मांतरण करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, सुधर जाएगी। अगर इकट्ठा करने के लिए कहेंगे तो 4 से 5 लाख का खर्चा है, वो लोग 2 से 3 लाख में मान गए हैं। दरअसल में ये मूक बधिरों की भाषा है, जिस भाषा में ये शख्स इस वक्त बात कर रहा है मूक बधिरों से, उनको बता रहा है कि दरअसल में करना क्या है, होगा क्या अगर वो धर्मांतरण करते हैं। तो अपील यहां पर कर रहा है कि आप लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। दरअसल में ये इसके शब्द क्या है ये हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस भाषा को पढ़ने वाली एक्सपर्ट, डेफ एक्सपर्ट प्रीति सापरा है। प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये शख्स दरअसल में इस वक्त क्या कुछ कह रहा है मूक बधिरों से, जरा आप समझाइए हमारे दर्शकों को। हम वो वीडियो चलाते हैं, उस वीडियो को आप देखिए और जरा बताइए दर्शकों को कि दरअसल में ये शख्स क्या कह रहा है। जी प्रीति जी, मैं देखिए वो वीडियो में चलवाता हूं, जो शख्स यहां पर कुछ बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है वो जरा आप एक बार बताइएगा। जी प्रीति जी, सर इस वीडियो के अंदर, जी सर वीडियो एक बार प्ले करेंगे, मुझे शो नहीं हो रही है था। जी मैं दोबारा प्ले करवाता हूँ। मैं अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश करता हूँ कि वो इस वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करें, ताकि आप दर्शकों को बता सके कि दरअसल में ये शख्स क्या क्या रहा है, किस तरीके की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, क्या कुछ लालच दे रहा है। वीडियो एक बार फिर से प्ले करते हैं। प्रीति जी आप देख पा रही हैं इस वक्त? सर देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये जो बता रहे हैं वीडियो आप, सर ये हरियाणा डेफ सोसाइटी के 2 लीडर्स हैं, ये बेसिकली धर्मांतरण को लेके नहीं बात कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की, उसके अंदर डी ग्रेड की जो पोस्ट होती है, डी ग्रुप की पोस्ट होती है, उसको लेकर है कि काफी पोस्ट होती है उसमें हार्ड ऑफ हियरिंग, जो कि डेफ लोगों के लिए मतलब रखी गई है, लेकिन उसमें जो सिलेक्शन है वो हार्ड ऑफ हियरिंग लोगों का हो जाता है, उसको लेके बात की गई है। तो यहाँ पर ये